हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ की। और हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया था कि फ्रॉम द राइट ट्रायंगल व्हाट इज साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वहां से वैल्यूज बताई थी। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पॉइंट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बोलता है इन अ राइट ट्रायंगल एट पॉइंट बी, मींस बी के ऊपर आपके पास 90 डिग्री है, सो आप ए यहां पे भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना है, सबसे पहले देखिए जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में आपके पास थ्री साइड्स हैं। ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड योर व्हाट, हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, मींस दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। और आपको सिंपल याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस कौन सा है, आप इसको फिक्स नहीं रखेंगे, आपको ये एंगल के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखिए साइन ए है, मींस दिस इज द एंगल। आपको सिंपल याद ये रखना है कि जो भी आपके पास एंगल आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पे हम साइन ए एंगल यूज कर रहे हैं, तो साइन एंगल ए के साथ जो साइड होगी आपके पास, एक तो हाइपोटेन्यूज तो हो गई होगा, उसके साथ वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड योर बेस, और जो बच गई आपके पास वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेट सपोज आई एम टेकिंग एंगल सी, मैं एंगल सी ले रहा हूं, तो जब भी मैं एंगल, जैसे यहां पे साइन सी निकालना है मुझे, तो जब भी मैं एंगल सी लूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपके पास एडजेसेंट साइड होगी एंगल के साथ, तो एंगल के साथ यहां पे एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो एंगल के साथ जो भी आपके पास साइड होगी वो बेस बनेगा। मीन जब आप साइन सी लोगे तो बेस आपके पास ये बी सी होगा, और जब एंगल आप ए लोगे तो आपके पास ए के साथ जो एडजेसेंट साइड है दैट इज योर ए बी, तो बेस जो है वो ए बी है, बेस ए बी है, तो सिंपली बी सी जो है वो परपेंडिकुलर बन गया। अब जब बी सी पर बेस है तो सिंपली दस ए बी जो है आपके पास परपेंडिकुलर बन गया। तो सबसे पहले देखिए यहां पे आपके पास ए बी जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख लीजिए, देन बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें पहले एसी फाइंड आउट करना है, बाय पाइथागोरस जो है वो एसी फाइंड आउट करेंगे। एसी आपको पता है व्हाट इज पाइथागोरस, पाइथागोरस होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड्स। चलिए एच की आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, एच आपको फाइंड आउट करना है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, पी इज योर 7 का स्क्वेयर प्लस बेस इज योर 24 का स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 प्लस दिस इज योर 576, दिस इज योर, व्हेन यू ऐड देम दिस इज योर 2625, सो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 625, देन यू कैन फाइंड दिस एच इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट 625 एंड इट कम्स टू इक्वल टू व्हाट 25 सेंटीमीटर, मींस योर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीबॉडी, आपको सिर्फ पाइथागोरस से आपको जो भी एक साइड मिसिंग होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पे हाइपोटेन्यूज मिसिंग था तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। सबसे पहले मेरे पास आता है साइन ऑफ ए, आपके पास दे रखा है साइन ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपली कुछ नहीं आपको करना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो, फर्स्ट वीडियो, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद इसको जो आपके पास एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस को ट्राई करिए। साइन ए,
साइनी की वैल्यू थी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब मैं ए ले रहा हूं, मुझे ये दिस इज मेजर कॉन्सेप्ट, आप ए ले रहे हो, ए मतलब मैंने अभी बताया दिस इज द एंगल ए, इसका मतलब है इसके साथ जो साइड होगी दैट इज द बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस बी सी इज द परपेंडिकुलर, सो बी सी इज द परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर कितना आपके पास 7 और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास फिक्स है दैट इज 25। सेम वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट कॉस ऑफ ए, व्हाट इज कॉस ऑफ ए, पहले तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉम द राइट ट्रायंगल दिस इज व्हाट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपली ए एंगल ले रहे हैं तो दिस इज द बेस, सो दिस इज योर 24/25। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास सेकेंड पार्ट जो है दैट इज योर व्हाट साइन ऑफ सी, तो साइन सी पहले तो साइन थीटा होता क्या है दैट इज अगेन आई एम राइटिंग दिस इज योर पी अपॉन एच, सी ले रहे हैं ध्यान, या बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है एंगल सी यूज कर रहे हैं, सी का मतलब है दिस बी सी इज द बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर इज 24 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 25। सेम वे यू कैन फाइंड व्हाट कॉस सी, ये तो सेम ही रहेगा दिस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस मींस सी आपके पास एंगल सी यूज करें तो बेस क्या बन गया आपके पास बी सी दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 7/25। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तो 10th क्लास के जो बोर्ड के बच्चे हैं वो ध्यान से वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियोस ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सके। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले वाली वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाली जो बेसिक वीडियो है उसे जरूर देखें और वहां से सारी की सारी वैल्यू, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो वैल्यू है वो सारी पहले लर्न कर लें, फिर यहाँ पे आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।